को फिलहाल अपने को पुराना वाला पुल से ही जाना पड़ेगा। रोड चौड़ीकरण का काम भी जोरों शोरों से है भाई। शाम के 6:45 हो रहे हैं और ये काफ़ी जोर से भूख लगी हुई थी और ढूंढ रहे थे अपन दिखाने वाले थे, लेकिन अंदर कितना दिख गया छोटे पुल से 40 रुपये का एक प्लेट है। दो वहाँ भी हमें वहाँ 20 रुपये का है, छोटे पुल से मिलेंगे दो पुल से मिलेंगे, पर्याप्त है। जो कल पूरा जाम लगा हुआ था, स्वादिष्ट है। अब हम लोग दूसरे पहाड़ में जा रहे हैं। पूरा रोड ऐसी है भाई, बकवास रूट है यमुनोत्री वाला। शुरू में आप लोगों को अच्छा मिलेगा, उसके बाद भाई खराब, फिर अच्छा, फिर खराब, फिर अच्छा, और अभी तो कंटिन्यू खराब मिल रही है। देखते हैं पूरा मंदिर तक ऐसी है कि कुछ अच्छा रोड बन चुका है आगे। गाइस तो देखो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, हार देखो नज़ारे है मस्त सुंदर सा। अभी अपने को नीचे उतरने हैं, यहाँ पे मैगी पॉइंट है। बस धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रोड पूरी खराब हो रखी है। देखो इस तरह से साइड देना होता है, अभी ना के बराबर साइड मिलता है भाई। लगभग 8 से 10 किलोमीटर खराब रोड मिलने के बाद में अभी की जो रूट है थोड़ा अच्छा मिला है, मस्त चौड़ी चौड़ी रूट मिली है। अब देखना ये है कि कितने किलोमीटर की ये रूट सही शॉट मिलने वाली अपने को। अभी शाम के 5:35 हो रहे हैं, सूरज देवता देखो भाई साहब, हल्की हल्की अब ठंड महसूस हो रही है क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यमुनोत्री रह गया है, 50 किलोमीटर बचा है, इससे पहले 10 किलोमीटर भाई साहब हालत टाइट कर दिया था भाई। अच्छी रोड मिलती ना तो अभी तक हम लोग पहुंच गए रहते यमुनोत्री धाम, बट कोई नहीं, जैसे तैसे अपन पहुँच ही जाएंगे आज रात तक। बोर्ड में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है भाई साहब। बड़कोट, नौगांव, विकास नगर, यमुनोत्री, अच्छा यमुनोत्री साइड जाना है राइट साइड में, ये देहरादून लेके जाती है लगता है, तो देहरादून यहाँ से 120-130 किलोमीटर है पीछे साइड, तो देहरादून से भी आप यमुनोत्री आ सकते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे होटल बने हुए हैं, बाप रे भयंकर सारे होटल बने हुए हैं। यहाँ पे चल रहा है चार धाम रजिस्ट्रेशन, जिसने नहीं कराया है उसको कराना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करा रखा था तो फटाक से अपना काम हो गया, नहीं तो यहाँ भी आप करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लगा रहे, देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, तुरंत हो जाएगा 5 मिनट में। बाकी यहाँ पे चाय नाश्ता वॉशरूम सब कुछ है भाई साहब। गाइस तो वहाँ पे बर्फ दिख रहे हैं भाई, बर्फ वाले पहाड़, क्या बात है भाई। यमुनोत्री यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, वादियाँ देखिए आप लोग, बस इसी तरह का ही नज़ारा देखने को मिलेगा आप सभी को। अभी तो देख ही रहे हैं अच्छी रूट है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना दिखलाएंगे कि पतली रूट फिर से चालू हो जाएगी, लेकिन नज़ारे भाई दिल प्रसन्न कर दिया। बर्फ वाले पहाड़, बर्फ उधर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यमुनोत्री धाम की ओर। अब अपने को काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे हैं भाई साहब, और वहाँ पर है बर्फ़ वाले पहाड़। धीरे धीरे हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं, और अभी शाम के 5:55 हो रहे हैं भाई साहब। जितना हो सकता उतना दिखा देता हूँ क्योंकि उसके बाद तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो जाएगा तो प्रॉपर ना मैं देख पाऊँगा ना आप लोगों को दिखला पाऊँगा। ऐसे यहाँ पर इतने सारे होटल हैं, कहीं भी आपका मन करता है रुक सकते हो, अगर आप लोग रात्रि में नहीं यात्रा करना चाहते हैं तो। हम लोग तो कैसे भी करके आज यमुनोत्री धाम पहुँचने हैं, वहीं पे होटल लेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे, मॉर्निंग में फिर अपन माता रानी का दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे कार्य प्रगति पर है,
रोड फिर से ख़राब हो चुकी है, देखते हैं। ओ भाई नया पुलिया बन रहा भाई यहाँ पे, बढ़िया यार, ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है नया पुल का निर्माण कार्य। अभी तो फिलहाल अपने को पुराना वाला पुल से ही जाना पड़ेगा। अच्छा बना रहे भाई लोग नया पुलिया। नीचे में कौन सी नदी है मुझे आइडिया नहीं है भाई, लेकिन हम लोग यमुनोत्री जा रहे हैं। आप लोगों को पता हो तो बताइए, क्योंकि अपने को ज़्यादा जानकारी है नहीं इस साइड की। ओ भाई साहब, बाकी में यार हालत टाइट हो जा रही है रोड ख़राब होने की वजह से। अभी तक तो अच्छी थी, लगभग 5 से 6 किलोमीटर अच्छी मिली थी रोड। आगे कार चल ही रहा है जोरों शोरों से। तो ये सब भी झेलने पड़ेंगे आप सभी को जब तक ये प्रॉपर बन ना जाए। नीचे में है पानी, अब ये यमुनोत्री है या गंगोत्री है इतना कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज हूँ मैं। यमुनोत्री से भी माता रानी निकलती है क्या पानी के रूप में, बताइएगा आप लोग। ओ भाई अच्छा खासा काम चल रहा है यार, 2-3 साल के बाद आओगे तो चकाचक रोड मिलेगा आप लोगों को। ये नया नया जो पुलिया बन रहा है ये भी बन जाएगा यमुनोत्री। वाह क्या तेज रफ्तार से बह रही है पानी, रोड चौड़ीकरण का काम भी जोरों शोरों से है भाई, बढ़िया यार एक नंबर भाई, एकदम नई नई रूट बनी हुई भाई साहब। हम इसमें यात्रा कर रहे हैं गंगोत्री धाम का, मस्त दिख रहा है नया नया एकदम चकाचक। सूरज देवता तो छुप चुके हैं क्योंकि 6:30 हो रखे हैं भाई साहब। और क्या तेज हवा चल रही है भाई, एकदम काफ़ी तेज हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है भाई साहब। अब तो शाम होते जा रहा है ना, शाम क्या रात होने वाला है अब तो। गाइस तो ऊपर में देखो बादल ही बादल भाई साहब, मुझे लग रहा है कि ऊपर में ना बूंदाबांदी चल रही होगी, जहाँ तक मुझे अनुभव है ये पहाड़ी क्षेत्र का, पक्का वहाँ पे बारिश होने वाली है। तो गाइस अभी सिंगल रूट हो चुकी है, ये पूरा यमुनोत्री तक रहेगा सिंगल रूट। और शाम भी हो गए हैं भाई, अंधेरा होने वाला है, जितना हो सकता उतना जल्दी जल्दी फटाफट कवर करते हैं, कैसे भी करके तो अपन पहुंच ही जाएंगे आज यमुनोत्री धाम। तो ये देखो गाइस अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं और ये सिंगल रूट, यही दिक्कत होती है सिंगल रूट में, इसकी वजह से और लेट पहुंचेंगे हम लोग। गाइस तो भी रात के 9 बज रहे हैं, हम खाना वाना खा लिए हैं और हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम पे और बस सोने की तैयारी चल रही है। इससे पहले अपन दूध पी लेते हैं, खाना तो हमारा डन हो चुका है। यहाँ पे थाली 160 रुपये मिलता है, लेकिन हमें 150 में मिला थाली, ठीक था, एवरेस्ट था, मजा आया खा के। यहाँ पे देखो सिलेंडर जैसा सब निकाला जा रहा है गर्मा गर्म दूध पीने के लिए, तो दूध पियेंगे सो जाएंगे, फिर कल चढ़ाई करना 5 किलोमीटर। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया ब्लॉग।